आज हमारे बुरान घाटी ट्रैक का चौथा दिन है। लिंथम में हमने दो दिन बिताए, अभी मैं लिंथम में ही हूँ और अब हम लिंथम से जाएंगे डुंडा की तरफ। लिंथम है 11,800 फीट की हाइट पर और डुंडा है करीब 13,500 फीट की हाइट पर। तो लिंथम में दो दिन बिताने के बाद हम डुंडा, क्योंकि डुंडा हमारा बेस होगा जहाँ से हम बुरान पास के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। लिंथम में दो दिन बहुत अच्छे रहे, बहुत ही खूबसूरत कैंप साइट है, गहरे घास के मैदान में कैंप लगे हुए हैं और सामने बर्फ़ के पहाड़ हैं। अपने टेंट में बैठे रहिए और पहाड़ों को देखते रहिए। इतनी अच्छी कैंप साइट है कि आपका जाने का मन नहीं करेगा, मन करता है कि यहाँ कुछ दिन और गुजारें, लेकिन रूट ऐसा है कि आपको दो दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं बिताने हैं। तो फ़िलहाल लिंथम से जाएंगे डिंडा की तरफ और अभी लिंथम से इतना ही। जा रहे हैं धुंधा, हाइट मतलब अल्टीट्यूड का इतना फ़र्क नहीं है, इधर से उधर ही होगा, लेकिन ग्राउंड का फ़र्क है, वहाँ पे स्नो है तो टैंक्स वगैरह सब स्नो में लगते हैं। अभी चल रहे हैं लिंथम से डुंडा के लिए और अभी थोड़ी देर पहले मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक से मौसम ख़राब हो गया है, बरसात होने लगी और थोड़ी सी बर्फ़ भी गिरने लगी, इसलिए रेन कवर वगैरह लगाना पड़ा, क्योंकि आगे डुंडा में बर्फ़ भी है तो आज रात को रुकना भी बर्फ़ पर ही होगा। तो देखते हैं, अभी अगर मौसम ख़राब है तो हो सकता है डुंडा में बर्फ़ ज़्यादा मिले, देखते हैं कैसा मौसम रहता है। पर अभी मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है तो चलने में भी सावधानी रखनी होगी। ये हमारा रास्ता है डुंडा जाने का, जो आपको दिखाई दे रहा होगा पत्थर और बर्फ़ के साथ। थोड़ी बर्फबारी शुरू हो गई है तो अब थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। डुंडा जाते हुए एक और बर्फ़ का बड़ा हिस्सा आया, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर कह सकते हैं आप इसको, काफ़ी लंबी दूरी तक हमने अभी तय कर ली है यहाँ तक आने में, अभी काफ़ी दूर तक और जाना है। ये आगे तक का पूरा जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा बर्फ़ का ही है, तो धीरे धीरे चल के इस पर जाना है। मतलब इतनी मुश्किल नहीं हो रही है क्योंकि बर्फ़ ठीक है, पर बर्फ़ चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर बर्फ़ चलने में अपना मज़ा भी आता है। तो ये पूरा डुंडा तक का रास्ता मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये पूरा रास्ता है और इसी रास्ते को बर्फ़ को कवर करते हुए हम डुंडा पहुँच रहे हैं। अभी 10 मिनट में हमारा कैंप साइट आ रहा है और स्नोफॉल भी हो रहा है। ये हमारे टूर गाइड है शशि। अभी लिंथम से डुंडा के रास्ते में हैं और आप देख सकते हैं कि भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। मैंने सोचा कि एक वीडियो ज़रूर बनाया जाए, हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि फिसलन भी बहुत है, पर बड़ी मुश्किल से मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। देखिए कि कितनी भारी बर्फबारी अभी हो रही है। पूरा ये बड़ा ग्लेशियर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक बड़ा ग्लेशियर है, इसको तय करके इस रास्ते को तय करके आए हैं और आगे ग्लेशियर में आगे जाना है डुंडा की तरफ। और बर्फ़बारी आप देख सकते हैं मेरे विंड चीटर पर, मेरे रेनकोट पर, कि कितनी भयानक बर्फ़बारी हो रही, कितनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। आगे देखते हैं डुंडा में कैसा मौसम है। लिंथम से चल के हम डुंडा पहुँच गए, लेकिन डुंडा में काफ़ी भारी बर्फ़बारी हो रही है, आप देख सकते हैं। ये हमारी कैंप साइट है पूरी की पूरी, और ये कैंप साइट पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, तो हमें आने पर
सबसे पहले जितने भी टेंट हैं ये सब बर्फ से ढके हुए थे, तो इनको झाड़ा, इनको झाड़ के इनकी बर्फ हटाई, फिर इनके जो रस्सियाँ थी उनको ठीक किया, क्योंकि जब इस तरह की बर्फ़ किसी भी टेंट पर आ जाती है तो फिर टेंट दबने लगता है, तो उसे हटाना पड़ता है, नहीं तो टेंट गिर सकता है। तो ये ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। और हालांकि मैं थक गया हूँ और रास्ते में बर्फ़बारी और बारिश हो रही थी उसकी वजह से गीला भी हो गया हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत जो नज़ारा है उसे दिखाने से मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि पता नहीं बाद में ऐसी बर्फ़बारी देखने को मिले या ना मिले। अभी जून के महीने में ऐसी बर्फ़बारी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसी बर्फ़बारी अगर देखनी है तो आपको इतनी ऊंचाई पर तो आना पड़ेगा। तो मैं डुंडा में हूँ, करीब 13,800 फीट की ऊंचाई पर, और यहाँ पर अभी भारी बर्फ़बारी हो रही है। और इस भारी बर्फ़बारी में हम किसी तरह से स्टैंड में रात गुजारेंगे, और रात भी नहीं गुजारनी, हमें बुरहान पास के लिए निकलना है ऊपर कहीं, और उस बुरहान पास के लिए हम करीब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास चढ़ाई शुरू कर देंगे, ताकि सूरज उगने के साथ हम उतराई शुरू कर सकें। तो फिलहाल डुंडा से इतना ही, अगर बर्फबारी में और कुछ नज़र आता है तो आगे बताऊंगा। अभी अपने टेंट के अंदर हूँ और बाहर भारी बर्फबारी हो रही है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि बाहर कैसी बर्फ़ गिर रही है। थोड़ी देर के लिए मैं टेंट खोल रहा हूँ, ये देखिए ये बाहर का नज़ारा है। ये आपको दिख रहा होगा एक टेंट भी सामने जो बर्फ़ से दबा हुआ है, और ये भारी बर्फबारी हो रही है। ये पूरी ये देखिए ये बर्फ़ लगातार गिर रही है, और इसकी वजह से होता ये है कि जब बर्फ़ गिर रही होती है लगातार तो ये टेंट बर्फ़ से दबने लगता है। ऐसे में आप आराम नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। अगर रात भर बर्फ़ गिरेगी तो आपको बर्फ़ हटानी होगी, नहीं तो 15-20 मिनट की बर्फ़ के बाद टेंट दबने लगेगा। तो लगातार हर कुछ मिनट के बाद आपको इस तरह से अपने टेंट से बर्फ़ हटानी होती है। तो अगर भारी बर्फ़बारी हो रही हो तो आप फिर सो नहीं सकते। तो अगर ऊँचाई पर आते हैं तो इसका ये भी एक मज़ा है। तो करीब 1 घंटे के बाद अब डुंडा में बर्फ़बारी रुकी है, तो उसके बाद अब सब लोग अपने टेंट से बाहर आए और मज़ा ले रहे हैं कि बर्फ़बारी कैसी हुई है। देखिए आप, पूरा जो कैंप साइट है अभी बर्फ़ से ढका हुआ है और बिल्कुल ताज़ा स्नो है। आप देखिए बिल्कुल ताज़ा स्नो है, और काफ़ी देर तक स्नो गिरी, लेकिन अब जब रुकी है तो थोड़ा इसका मज़ा लेने का टाइम है। डुंडा में मौसम बदल गया है, अभी थोड़ी देर पहले बर्फबारी हो रही थी और अभी अच्छी धूप खिली हुई है, तो धूप खिली हुई है तो लोग बाहर आ गए और कुछ खेल चल रहा है, आपस में कुछ टीम बन गई है, और बाकी धूप में धूप का मज़ा ले रहे हैं। थोड़ा ठंड भी भागी है, धूप में अच्छा लग रहा है। और धूप में एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि
एक तो आपको अपने सनग्लासेस नहीं हटाने हैं और दूसरा हमेशा सनस्क्रीन लगानी है और फेस को कवर रखना, नहीं तो यहाँ पे सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है। हमने मतलब रैपलिंग तो नहीं करनी, अगर आपको आती तो हम आपके आपको खुद भेज देते हैं, लेकिन हम ही ऊपर से रोप छोड़ेंगे। आपने खाली अपना बैलेंस बनाना, एक पोजीशन बनानी है, ठीक है, जो हम अभी जिसको नहीं आता उसको बता देंगे, ठीक है। ये कैराबिनर 22 kN यानी कि लगभग 2000 kg है, वेट उठा सकते हैं, ठीक है। तो हमने पोजीशन रखनी है ये, और आराम से हम या तो एक दो करके आपने खुद ही ऐसे नीचे उतरना, पीछे नहीं देखना है, ठीक है, देख सकते हो तो ऐसे।